स्वागत तो करता हूं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम करियर गाइडेंस से रिलेटेड आगे बढ़ाते हुए जिसके अंदर हम बात करेंगे कि प्लस टू अगर आप पीसीबी के साथ करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ करते हैं, तो आपके पास क्या करियर ऑप्शन जो हैं वो रहेंगे। तो आज हम उन करियर्स ऑप्शंस को डिटेल के अंदर जानेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप अगर ट्वेल्थ करते हैं तो कौन कौन से करियर ऑप्शन आपके पास बचेंगे। तो मेन फोकस हमारा रहेगा डॉक्टर लाइन का, जिसके अंदर आप एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर या फिर वेटरनरी डॉक्टर जो है वो कैसे बन सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपको उसके लिए देना पड़ेगा या एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, काउंसलिंग कैसे होती है, किस तरह से आप उसके फॉर्म जो हैं वो फिल कर सकते हैं, तो वो पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और जितने भी बच्चे हैं प्लस टू साइंस के अंदर या फिर और भी बच्चे हैं उनको ये वीडियो जो है शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम एक जो एग्ज़ाम है CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो अब की बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो अब की बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे इस कोट के साथ कि हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है, हर असफलता एक नई राह दे जाती है, जो समेटता है इनको एक साथ वही एक दिन पहुंचता है कामयाबी के शिखर तक। तो अगर आपको भी कामयाबी के शिखर तक जाना है तो उसके लिए कोशिश आपको करती रहनी पड़ेगी। कोशिश करते रहिएगा तो एक दिन आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो करियर गाइडेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट qualityclasses.co.in और ऐप जो है क्लारा उसके ऊपर भी है, तो आप इन पे भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपने प्लस टू कर ली है उसके बाद में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी तो उसकी हम बात करेंगे, व्हाट्स योर ड्रीम। अगर आपने टेंथ ली है तो आपके पास क्वेश्चन होंगे कि आप साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट लें, लेकिन अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आपके पास डॉक्टर लाइन के ऑप्शन जो है बचते हैं। एक और कोट है हमारे पास विवेकानंद जी का, उन्होंने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। तो कोशिश करती रहेगा तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि प्लस टू आपने साइंस ली है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली है, तो उसके बाद क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो मेन फोकस हमारा डॉक्टर रहेगा कि प्लस टू के बाद आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली है क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तो उसी फोकस रखेंगे। तो इस डायग्राम के अंदर जो प्लस टू आपने अगर पीसीबी से की है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से की है, तो क्या क्या कैरियर ऑप्शन आपके पास हैं वो सारे दिए हुए हैं, तो हम उनको स्टडी कर लेते हैं एक बार। प्लस टू पीसीबी से आप करते हैं तो बीवीएससी कर सकते हैं, वेटरनरी साइंस की बैचलर डिग्री, इसके अंदर आप जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो बन सकते हैं, 5 ईयर कोर्स होता है। इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग, नर्सिंग का डिप्लोमा आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है 2 साल का ये कोर्स होता है, करने के बाद में असिस्टेंट जो डॉक्टर के होते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा 3 ईयर कोर्स होता है जिसके अंदर BMLT है, लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा। इसके अलावा BSc होम साइंस आप कर सकते हैं, BSc में अदर ऑप्शन भी है, बोटोनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, उससे आप कर सकते हैं। अगर आप BSc कर लेते हैं तो उसके बाद MSc कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं। इसके अलावा MPhil या PhD भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा MSc बायोटेक्नोलॉजी से अगर करते हैं तो MTech बायोटेक्नोलॉजी से भी आप कर सकते हैं और अपना ये कैरियर जो है चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम MBBS डॉक्टर की, तो ये लगभग 4.5 ईयर का कोर्स होता है। इसमें 3 मेन कोर्सेज है, MBBS है, BHMS है और BAMS है। तो अगर हम MBBS की बात करते हैं तो ये जो है लगभग 4.5 ईयर का कोर्स होता है, उसके बाद इंटर्नशिप होती है, उसके बाद अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप MD या फिर MS कर सकते हैं। इसके अलावा 2 साल के स्पेशल डिप्लोमा भी होते हैं MBBS के बाद में, वो भी आप कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया के स्पेशलाइज डॉक्टर आप जो है वो बन सकते हैं। अदर डॉक्टर लाइन की अगर हम बात करें तो जिसमें BHMS है होम्योपैथी, इसके अलावा आयुर्वेदिक डॉक्टर आप बनना चाहते हैं तो BAMS करके आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है बन सकते हैं, और हायर स्टडीज के लिए आप MD भी कर सकते हैं। अगर हम BDS की बात करते हैं, जो 4 ईयर कोर्स है, PCB के साथ प्लस टू आपने की है तो ये कोर्स कर सकते हैं BDS का।
ये डेंटल सर्जन जो होते हैं यानी कि दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उसके लिए होता है। इसके बाद 2 साल BDS करने के बाद में 2 साल आप MDS भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री आप इसमें ले सकते हैं और स्पेशलाइज डेंटिस्ट जो है वो बन सकते हैं। अदर कोर्स की बात करें तो इसके अंदर BSc नर्सिंग है या पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, तो ये 3 से लेकर के 4 साल के कोर्सेज होते हैं, तो ये भी आप प्लस टू PCB आपने ली है तो उसके बाद कर सकते हैं। आइए इन कोर्सेज को डिटेल के अंदर हम अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नीट को फोकस करते हैं, नेशनल ये हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट है जो कि डॉक्टरों डॉक्टर लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए है। तो नीट बेस्ड कोर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर MBBS जो कोर्स है, BDS है, BAMS है, BHMS है, BUMS है या BSMS है, तो इन कोर्सेज के अंदर नीट के थ्रू जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। MBBS जो है वो है बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी, BDS की अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BMS की अगर हम बात करें तो बैचलर इन आयुर्वेदा और मेडिसिन और सर्जरी, BHMS की बात करें तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, BUMS की बात करें तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS की बात करें तो बैचलर ऑफ सीधा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इन इस प्रकार से आप डॉक्टरी लाइन के अंदर जा सकते हैं इन कोर्सेज को करने के बाद। तो अगर आप कॉलेज में डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए MBBS और BDS कोर्सेज होते हैं, इनकी बात हम कर लेते हैं। तो नीट बेस पे ये डॉक्टर के कोर्सेज होते हैं। तो नीट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी हम ले लेते हैं एक बार में। तो नीट एग्जाम जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है। तो नीट का एग्जाम देने के बाद में आप जो है डॉक्टर के कोर्सेज कर सकते हैं। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट एग्जाम, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो नीट जो है उसके फॉर्म निकले थे 6 अप्रैल 2022 से और आज 15 मई है, तो आज लास्ट डेट है इसकी। पहले 6 मई थी, इसको बढ़ा करके 15 मई कर दिया। अभी तक आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लस टू PCB आपके पास होने चाहिए तो आप ये फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट अभी बताया मैंने 15 मई 2022। इसके अलावा बाद में अगर फॉर्म फिल करने में आपके कोई गलती होती है तो उसके लिए करेक्शन का भी जो टाइम पीरियड है वो दिया जाता है। अभी उसकी डेट जो है वो नहीं आई है वेबसाइट पे, तो वो आ जाती है। तो आप अगर आपने कोई गलती कर दिया, जैसे कि मान लिया फोटो सही नहीं, आपकी सिग्नेचर सही नहीं या कोई और आपने गलती की, तो वो आप ठीक कर सकते हैं। तो एक मौका जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रोवाइड करवाती है। अगर फीस की बात कर ले नीट एग्जाम के अंदर, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1600 रुपये रहती है, जनरल के अंदर EWS है या OBC है उसके लिए 1500 रुपये रहती है, SC ST या PWD थर्ड जेंडर है तो उसके लिए 900 रुपये रहती है। ये इंडिया के अंदर जो रेजिडेंस है जिनका, उनके लिए। अगर फॉरेनर हैं तो उनके लिए 8500 रुपये फीस जो है सभी कैटेगरी की रहेगी। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम कब होगा इसका, तो एग्जाम डेट जो है वो है 17 जुलाई 2022, 17 जुलाई को इसको एग्जाम है। अगर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें तो 200 मिनट का एग्जाम है, यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट का एग्जाम। टाइम एग्जामिनेशन कराएगा 2 से लेकर के 5:20 तक, यानी कि 2 PM से लेकर के 5:20 तक रहेगा। सेंटर जो है वो जब एडमिट कार्ड आएंगे तो उसके अंदर मेंशन रहेगा कि कहाँ पे आपका जो नीट का एग्जाम है वो होगा। अब पैटर्न ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करें नीट के, तो इसके अंदर 4 सेक्शन के अंदर बांटा हुआ है इस टेस्ट को, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बोटोनी और जियोलॉजी। अगर फिजिक्स की हम बात करें तो इसको 2 सेक्शन में बांट रखे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिजिक्स के, हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा, इसलिए टोटल जो है 140 मार्क्स का ये फिजिक्स सेक्शन ए का पेपर हो। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन होते जो कि 40 नंबर के होते हैं, तो इसके अंदर जो है आप 15 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 10 के 40 नंबर का
ये सेक्शन बी रहेगा। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन ए 35 क्वेश्चन 140 नंबर के, सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन 40 नंबर के, इसमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं, ये सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसे ही बोटोनी के अंदर सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहेंगे 140 नंबर के, सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन रहेंगे, 10 अटेम्प्ट करने हैं 40 नंबर के। ऐसे ही जूलॉजी की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए और बी के अंदर सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहेंगे 140 नंबर के, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन में, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। तो टोटल अगर हम काउंट करें इन चारों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री बोटोनी और जूलॉजी के, तो 720 नंबर का ये जो है एग्जाम है रहने वाला है। तो 720 में से आपको नंबर लेने हैं, तो नंबरों के हिसाब से आप का डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन होगा, और उसके बाद में आप 5 या 5 या 5.5 साल की MBBS कोर्स होता है वो करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो सही क्वेश्चन है उसको 4 नंबर मिलते हैं, साथ में अगर आप इनकोरेक्ट क्वेश्चन आंसर चूज करते हैं यानी कि, तो आपके -1 जो नंबर है वो कटेंगे, यानी एक नंबर उसमें से काट लिया जाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहेगी, जो राइट क्वेश्चन आपका उसको 4 नंबर मिलेंगे, अगर रॉन्ग करते हैं तो एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। एग्जाम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यानी MCQ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसके अंदर ऑप्शन आपको चूज करने हैं। एग्जामिनेशन के मोड की अगर हम बात करें तो पेन पेपर बेस्ड या OMR बेस्ड ये एग्जाम होने वाला है। इसके अंदर आपको जो है सर्कल्स मिलेंगे वो आपको फिल करने हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की बात करें तो हम पहले भी कर चुके हैं, जिसके अंदर टाइमिंग जो रहेगी इसकी 3 घंटे 20 मिनट रहेगी। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो इन मीडियम्स के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर मिल सकता है। मैंने अगर देखें तो इंग्लिश और हिंदी है, इंग्लिश चूज करते हैं तो क्वेश्चन पेपर आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर रहता है। ठीक है, तो एक जो लैंग्वेज है क्वेश्चन पेपर की आप इसमें से चूज कर सकते हैं जब आप नीट का एग्जाम का फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। तो आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो अभी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि प्लस टू PCB से आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और एज की अगर हम बात करते हैं तो एज इसके अंदर 17 साल आपकी कंप्लीट जो है वो होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर तक। यानी कि अगर हम बात करें तो जनरल हो चाहे SC BC हो, उसका जो जन्म है वो 31/12/2005 या इससे पहले हुआ होना चाहिए, वो ही इस एग्जाम के लिए जा सकता है और आगे फिर MBBS में एडमिशन ले सकता है। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी भी आपके पास हो सकती है। इंग्लिश होना इसके अंदर जरूरी है। इसके अलावा 50% मार्क्स जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर आपके पास होने चाहिए प्लस टू के अंदर, तभी आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एडमिशन की बात करें, नीट एग्जाम आप देते हो क्वालिफाई कर जाते हो तो इसके अंदर आप इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर एम्स है, तो ऑल इंडिया के अंदर एम्स के कई कॉलेज हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली है, एम्स जयपुर है, इस तरह से इन कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जिपमेर कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस आते हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है या AMU है, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आप मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा AFMC पुणे है, GGSIPU है, ESIC मेडिकल कॉलेज है या डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर ABVIMC या RML या VMMC और SJH और ESIC, ये इंस्टीट्यूट हैं जो नीट बेस्ड एग्जाम के ऊपर इनके अंदर एडमिशन होते हैं। तो ऑल इंडिया के अंदर ये यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं नीट आपने क्वालिफाई कर लिया तो इन कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। काउंसलिंग जो है वो MCC द मेडिकल काउंसिल इंडिया की है, वो काउंसलिंग करवाती है और काउंसलिंग के हिसाब से एडमिशन जो है वो लिया जाता है। तो कितने परसेंटेज एडमिशन जो होते हैं वो इनके अंदर दिए हुए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करते हैं तो जैसे कि जो MCC है वो इंडिया के लगभग 15% जो सीटें होती हैं उनके ऊपर एडमिशन करवाती है, बाकी जो 85% सीटें होती हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट की होती हैं। तो स्टेट के अंदर जो अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो PGIMS रोहतक जो है वो काउंसलिंग करवाता है एडमिशन के लिए हरियाणा के कॉलेजों के अंदर, यानी कि 85% जो सीटें बची तो उसके अंदर जो एडमिशन है वो PGIMS रोहतक के थ्रू होती है।
ये कॉलेज दे रखे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अगर हम बात करें तो, इसके अंदर पीजी पीजीआईएमएस रोहतक के अंदर है, इसके अलावा भगवत फूल सिंह खानपुर कला सोनीपत के अंदर है, शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज है नल्हार नू के अंदर, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है करनाल के अंदर, ईएसआईसी फरीदाबाद के अंदर है, तो गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज की बात करें तो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा, ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। बाकी ये कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो आप इनको देख सकते हैं, और इनके अंदर जो एडमिशन है वो पीजीआईएमएस रोहतक के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू होता है जब आप नीट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये थी जानकारी नीट की और उसके बाद उसकी काउंसलिंग की, जिसके थ्रू आप एमबीबीएस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं या डेंटल कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं बीवीएससी की। तो बीवीएससी वेटरनरी डॉक्टर के लिए होता है, पशुओं के डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो वेटरनरी कोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एचयू जो है अंडर ग्रेज कोर्स करवाती है वेटरनरी डॉक्टर से रिलेटेड, जिसके अंदर चार प्रकार के कोर्सेज होते हैं, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीवीएससी इन एनिमल जेनेटिक एंड ब्रीडिंग, बीवीएससी इन एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चार प्रकार के कोर्सेज हैं जो एचयू के अंडर में होते हैं। अगर इसके प्लान की हम बात करें यानी कब फॉर्म ओपन होते हैं, तो लगभग अगस्त सितंबर 2022 के अंदर बीवीएससी के लिए फॉर्म निकलते हैं। एलिजिबिलिटी क्या कि आपके पास प्लस टू होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ में, इसमें आपके प्लस टू के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और एससी के लिए 5% यानी कि 45% मार्क्स प्लस टू के अंदर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एज की, तो एज 17 ईयर है और नीट एग्जाम उसको क्वालिफाई करना होता है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर जो एडमिशन होता है काउंसलिंग के थ्रू होता है, काउंसलिंग होती है नीट बेस्ड के ऊपर, तो नीट आपको करना जरूरी है। तो एक कोट और है हमारे पास कि हर संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, डॉक्टरी लाइन में जाना है, उसमें एडमिशन लेना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को जाग के पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें आगे अपनी मंजिल जो है वो पा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम। अदर कोर्सेज क्या कर सकते हैं आप, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज है, अगर पीसीबी आपने ली तो वो कोर्सेज कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये पीजीआईएमएस रोहतक द्वारा ही रन किए जाते हैं, इसके लिए एक अलग से एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको देना होता है, उसमें एग्जाम मेरिट बेस के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है। कौन कौन से कोर्सेज पीजीआईएमएस रोहतक जो है वो करवाती है, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होती है, इसके अलावा बीपीटी कोर्स है जिसको हम बैचलर इन फिजियोथेरेपी बोलते हैं, बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री भी होता है, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर ओटी भी बोलते हैं, बीएससी आप कर सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर एमएलटी में, बीएससी आप रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, इसके अलावा बीएससी आप रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी यानी कि जो मेडिकल लाइन के इक्विपमेंट होते हैं तो उसके अंदर भी आप बीएससी कर सकते हैं। अगर हम कोर्स की बात करते हैं हरियाणा के अंदर, तो बीएससी नर्सिंग जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदों के अंदर होता है, ये जो है हमारे पास रोहतक जो कॉलेज है उसके अंडर में आते हैं सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो आप इनको देख सकते हैं इन कॉलेजेस को जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम पैरामेडिकल कोर्स अग्रवा की बात करते हैं, एमएएमसी कॉलेज जो अग्रवा के अंदर है, इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्सेज करवाया जाता है, मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर ओटी वाला बीएससी कोर्स करवाया जाता है, इसके अलावा रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी का बीएससी कोर्स करवाया जाता है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री ये कोर्स भी इसके अंदर करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो फॉर्म और स्कीम क्या रहेगा एग्जाम का। इसके फॉर्म लगभग अगस्त सितंबर 2022 के अंदर निकलेंगे, जिसके अंदर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इन बीएससी या पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, जो कि पीजीआईएमएस रोहतक जो है वो ऑर्गेनाइज करवाता है। मीडियम का एग्जामिनेशन इसका इंग्लिश रहता है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो एक पेपर होता है इसमें 3 घंटे का, उसमें टाइम रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि बटोनी और जूलॉजी, बायोलॉजी के अंदर बटोनी जूलॉजी में से, ठीक है। और इसके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का, पेपर जो है जिसके अंदर मैक्सिमम 180 मार्क्स होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो कि बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्सेज करवाते हैं, हरियाणा के अंदर है, तो इन कोर्स इन कॉलेजेस को आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये कोर्सेज भी ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि बीएससी या पैरामेडिकल कोर्सेज करवाते हैं, तो इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं।
अब एक और कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर, या इससे रिलेटेड जो कोर्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसकी हम बात कर लेते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स एचएयू जो है वो रन करवाता है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर जो है। इसके अंदर अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, इसके अलावा 6 ईयर प्रोग्राम होता है। 6 ईयर में 10th बेस पे लिए जाते हैं और +2 बेस के ऊपर 4 ईयर वाले में बीएससी एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ फिशरी साइंस है जो +2 लेवल पे है, बीएससी कम्युनिटी साइंस है, ये भी 4 ईयर प्रोग्राम है जो +2 पीसीबी के साथ आप कर सकते हैं। अब इनको और डिटेल में देख लेते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर जो +2 के बाद में है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? +2 आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ भी हो सकता है, या एग्रीकल्चर भी आपके पास हो सकता है, इन तीनों में कोई एक सब्जेक्ट आपके पास जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, इसके अलावा बायोलॉजी मैथ या फिर एग्रीकल्चर में से। 50% मार्क आपके +2 में होने चाहिए, इसके अलावा 47.5% एससी के लिए या पीडब्ल्यूडी जो होते हैं उनका +2 के अंदर होने जरूरी है। मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो ये 16 साल मिनिमम एज जरूरी है। बीएससी 6 ईयर की बात करें, 10th बेस पे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है जिसमें पहले 2 साल +2 ही करवाई जाती है, आगे 4 साल फिर बीएससी एग्रीकल्चर करवाई जाती है। तो इसमें 10th में आपके 60% मार्क होना जरूरी है, एससी के लिए 57 या फिर पीडब्ल्यूडी है तो भी 57% आपके 10th के अंदर नंबर होने चाहिए। एज जो है आपकी 14 ईयर होनी चाहिए अगर 10th में आप हैं। इसके अलावा अदर कोर्स है बैचलर ऑफ फिशरी साइंस बीएफएससी, इसके अंदर +2 आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या एग्रीकल्चर के अंदर आपके पास होने चाहिए, यानी इसके अंदर मैथ नहीं है। अगर मैथ नहीं है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स इसमें जरूरी नहीं है, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर जरूरी है। तो 50% आपको +2 में नंबर होने चाहिए, एससी और पीडब्ल्यूडी है तो 47.5% आपके +2 के अंदर नंबर होने चाहिए, और एज जो है मिनिमम आपकी 16 साल होनी चाहिए। बीएससी कम्युनिटी साइंस की अगर हम बात करें, 4 ईयर प्रोग्राम है और ये फीमेल्स के लिए है, इसके अंदर +2 के अंदर 50% मार्क होने चाहिए और एससी और पीडब्ल्यूडी 47.5% मार्क्स आपके होने चाहिए, और एज जो है 16 ईयर मिनिमम एज चाहिए इसके अंदर। अगर बात करें ईटी और एईटी की, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए 10th बेस पे अगर करते हैं तो आपके पास एक टेस्ट देना पड़ेगा जो होता है एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट एईटी, इसको हम बोलते हैं। अगर आप +2 में हैं उसके बाद टेस्ट देना है तो वो होता है ईटी एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ये 4 ईयर एग्रीकल्चर 4 ईयर कम्युनिटी साइंस या बीएफएससी, इन कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न यानी कि एंट्रेंस टेस्ट में क्या पैटर्न रहेगा, अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स 4 ईयर या बीएफएससी 4 ईयर, तो उसके अंदर बायोलॉजी मैथ या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो इसका 100 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, फिजिक्स के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, केमिस्ट्री के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, टोटल देखें तो 200 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। तो 100 नंबर में से आपको नंबर लेने हैं और इस हिसाब से आप जो है फिर बाद में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन इसके अंदर ले सकते हैं। टाइम की बात करें तो इसमें 10 से लेकर 1 बजे तक एग्जाम होता है, तो यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है एग्जाम को सॉल्व करने में। 30 मिनट पहले आपको आना पड़ता है फॉर्मेलिटीज के लिए। मीडियम जो है इसके अंदर टेस्ट का इंग्लिश रहेगा और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। अगर हम बीएससी कम्युनिटी साइंस की अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस की अगर हम बात करेंगे एग्जाम में क्या रहता है, जनरल एप्टीट्यूड और कम्युनिटी साइंस के लिए एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो 40 मार्क्स का, 40 नंबर आपको लेने हैं। जनरल साइंस के अंदर 60 क्वेश्चन है जिसके अंदर 60 आपको नंबर लेने, तो टोटल अगर देखें तो 100 क्वेश्चन है जिसके अंदर 100 नंबर आपको लेने हैं। ड्यूरेशन वही इसके अंदर जो है 2 घंटे रहेगा। मीडियम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं। अगर हम बीएससी ऑनर्स 6 ईयर की बात करते हैं जो 10th बेस के ऊपर होता है, तो इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर के आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मार्क्स के, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 मार्क्स के, तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपको 100 मार्क्स के यहाँ पे मिलते हैं। और इसके अंदर 2 आवर का जो टाइम है वो आपको मिलता है सोल्व करने के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम मिलेगा टेस्ट का, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी नहीं है। तो ये 10th बेस में आप बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जा सकते हैं, तो एग्जाम का पैटर्न रहेगा। अब अदर कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो बीएससी के अदर कोर्सेज भी होते हैं जो आप जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा की या स्टेट यूनिवर्सिटी वहां पे एडमिशन लेके जा सकते हैं। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है तो एक एग्जाम और होता है सीयूईटी का जिसकी आगे हम बात करेंगे, तो उसके थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी आप जूलॉजी से कर सकते हैं, बॉटनी से कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, होम साइंस से कर सकते हैं, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली है +2 के बाद में।
तो बीएससी करने के बाद फिर आप एमएससी कर सकते हैं, एमएससी के बाद में आप पीएचडी में भी जा सकते हैं। तो इसके अंदर जनरल साइंस के कुछ कोर्सेज होते हैं, पीसीबी के बाद जूलॉजी, बोटोनी, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री, ये हमने बता दिया। इसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट्स में भी, जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर है, मैरीन साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, फूड प्रोडक्शन है, इनमें भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री है, अप्लाइड न्यूट्रिशन है, हेल्थ इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जेनेटिक्स है, ये कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। होम साइंस या इससे रिलेटेड कोर्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का कोर्स होता है, ये कर सकते हैं। होम साइंस है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल है। इसके अलावा एक्सटेंशन एंड एजुकेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये कोर्सेज भी आप कर सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, जो कि स्टेट के कॉलेजेस भी होते हैं, सेंट्रल कॉलेजेस भी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं CUET की, जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ये अभी अब की बार सरकार ने शुरू किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस आते हैं तो उनके अंदर जो एडमिशन है इसी के थ्रू होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर आर्ट, कॉमर्स और साइंस के बच्चे जो कि बीए या बीकॉम या बीएससी करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो इसके लिए पहले उनको ये टेस्ट देना जरूरी है। आइए अब इसके अंदर कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर आपको मतलब एडमिशन मिलेगा, तो ये मेन मेन यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, जिसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी है, जितने भी स्टेट के अंदर, उन सभी के इसी के थ्रू एग्जाम होंगे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बाकी यूनिवर्सिटी आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब इसके अगर हम बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सॉरी ऑनलाइन फॉर्म जो है इसके फिल होंगे इस एग्जाम को देने के लिए, तो डेट जो रहती है इसकी 6 अप्रैल से शुरू होते हैं इसके फॉर्म, और अभी 22 मई तक चलेंगे। डेट पहले 6 मई थी लेकिन इसको बढ़ा करके 22 मई कर दिया, अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया था आपने, फिल कर सकते हैं, 22 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। कोरेक्शन के लिए एक टाइम जरूर मिलेगा इसको, अभी वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। इसके अलावा एडमिट कार्ड का भी कोई डेट नहीं है। ड्यूरेशन जो एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसमें दो स्लॉट के अंदर एग्जाम होते हैं। स्लॉट वन का जो एग्जाम अगर देखें तो 195 मिनट का, यानी कि 3 आवर 15 मिनट का, और जो स्लॉट टू का एग्जाम है 2 to 5 मिनट का, यानी कि 3 आवर 45 मिनट का। टाइमिंग जो है एग्जामिनेशन की, स्लॉट वन के अंदर 9 से लेकर के 12:15 बजे तक रहेगी, और स्लॉट टू के अंदर 3 से लेकर के 6:45 PM तक रहेगी। सेंटर एडमिट कार्ड के अंदर आपको मिलेंगे। एग्जामिनेशन डेट अभी मेंशन नहीं है, तो एग्जामिनेशन डेट जो है वो आगे एडमिट कार्ड के थ्रू बताई जाएगी या वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। फीस की बात कर लेते हैं। स्लॉट वन अगर हम बात करें तो उसके अंदर 4 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, जिसके अंदर जनरल के लिए जो अनरिजर्व है 650 रुपीज उसके मतलब फॉर्म के रुपए रहेंगे, फॉर्म फिल और जो फीस होती है CUET की। OBC के लिए 600 रहेंगे और SC ST के लिए 550 रहेंगे। अगर आउटसाइड इंडिया है तो उसके लिए 3000 रुपए रहेंगे। ऐसे ही स्लॉट टू के अंदर अगर हम देखें तो 5 सब्जेक्ट उसमें वो ले सकता है, इसमें 650 जनरल के लिए, 600 OBC के लिए, और 550 SC ST जो या PWD कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फीस रहेगी CUET की। अगर आउटसाइड इंडिया है तो उसको 3000 जो है फीस रहेगी। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर जो है 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1A के अंदर लैंग्वेजेज है, सेक्शन 1B के अंदर भी लैंग्वेज है, सेक्शन 2 के अंदर डोमेन्स है, और सेक्शन 3 के अंदर जनरल टेस्ट होता है। अगर सेक्शन 1A लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेज के अंदर जो है सब्जेक्ट या टेस्ट मिलेंगे, तो 13 लैंग्वेज में से कोई आप एक सेलेक्ट करके उसका एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। और अगर हम सेक्शन 1B लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 20 लैंग्वेज दी हुई है, जिसके अंदर आप एग्जाम कोई एक सेलेक्ट करके दे सकते हैं। इसके अंदर एग्जाम पैटर्न में क्या रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के ईच लैंग्वेज के। लैंग्वेज जो टेस्ट है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का होगा, इसके अलावा लिटरेरी या नैरेटिव इसके अंदर जो कम्प्रीहेंसिव पार्ट मिलेगा, ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट का हर एक लैंग्वेज का। तो इन दोनों ये लैंग्वेज टेस्ट होंगे जिसमें हिंदी, इंग्लिश है और अदर लोकल लैंग्वेजेज आपको मिलेंगी, तो वो देना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 2 डोमेन की अगर हम बात करें तो इसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, या अदर आर्ट कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम आप 6 डोमेन यानी 6 सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं
और उसके भी 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि एनटीए की वेबसाइट पे सिलेबस मेंशन होगा, उसी हिसाब से ये 40 मिनट रहेगा इसका ड्यूरेशन। इसके अलावा अगर सेक्शन 3 जनरल टेस्ट ये होगा, ये इसके अंदर जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसमें 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 75 में से 60 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन। तो ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये जो है सिलेबस रहेगा जनरल टेस्ट का। ये 60 मिनट का जो है वो टेस्ट होगा। तो इस तरह से चार सेक्शन के अंदर उन्होंने डिवाइड कर रखे इस एग्जाम को। तो ये जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना आपको, कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होगा। नीट का जो है वो ओमआर बेस्ड है, यानी कि ऑफलाइन है, और ये हमारा ऑनलाइन होगा कंप्यूटर बेस्ड। मीडियम लैंग्वेज की जो है 13 लैंग्वेजेस इसके अंदर प्रोवाइड किए, आप चूज कर सकते हैं। इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश में होगा, हिंदी चूज करते हैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको टेस्ट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे इसमें, क्वेश्चन चार सेक्शन में डिवाइड किए हैं, मैं बता चुका हूँ। पहले में 13 लैंग्वेजेस के अंदर कोई एक चूज करनी है आपको, दूसरे में 20 में से कोई एक चूज करनी है, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनमें से चूज करने, और एक जनरल टेस्ट होता है ये आपको देना पड़ेगा। तो टाइमिंग और ड्यूरेशन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस प्लस टू में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, ठीक है, या अगर आर्ट कॉमर्स है तो उनके जो आपके प्लस टू के अंदर जो सब्जेक्ट रहे थे, या आप जो लैंग्वेज या सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसी के बेस्ड आपका एग्जाम जो आपको मिलेगा। इसके अलावा इस वेबसाइट पे जाकर के आप सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्लस टू आपके पास होनी चाहिए, जो अपने अगर अपेयरिंग है तो वो भी इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की अगर डेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट या सेकंड वीक जुलाई के अंदर इसका एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 2 स्लॉट्स के अंदर होना है। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इनको देख सकते हैं। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले एक बार और बता देता हूँ। 2 लैंग्वेज टेस्ट हैं इसके अंदर। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, यानी कि 200 टोटल इसके मार्क्स हो गए। 45 मिनट जो है पर लैंग्वेज का आपको इसमें टाइम मिलता है। ऐसे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसमें 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ये 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं आपको, 5 पर क्वेश्चन के इसमें नंबर मिलेंगे और 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही 45 मिनट पर सब्जेक्ट इसमें टाइम मिलेगा। तो 2 सब्जेक्ट अगर लेते हैं 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। इसके अलावा एक जनरल टेस्ट है जिसमें 75 में से 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो 300 का क्वेश्चन हो गया, 60 मिनट का इसको आपको टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर एग्जामिनेशन जो शेड्यूल है या स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह ये स्लॉट 1 का था तो स्लॉट 2 के अंदर भी है। लैंग्वेज टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट है। लैंग्वेज के अंदर आप लैंग्वेज चूज करके 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो 200 नंबर के होगी, 45 मिनट पर लैंग्वेज के आपको मिलते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट आप इसमें से चूज कर सकते हैं। 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसके अंदर 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और इसके अंदर 200 नंबर का होगा, 45 मिनट पर सब्जेक्ट रहेगा। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है इसके अंदर 3 आवर रहेगा 4 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर 1 मार्क अगर रॉन्ग आंसर आप करते हो तो इसके अंदर डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, 1 नंबर आपका कट लेंगे अगर आपने गलत आंसर टिक किया तो। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इसके अंदर CUT के थ्रू एडमिशन मिलेगा। ये यूनिवर्सिटीज हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस एग्जाम के थ्रू इनके अंदर एडमिशन होगा। तो एक कोट के साथ हम इस वीडियो को पूरा करते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं तो मेहनत कीजिए और अपनी जिद पर अड़े रहिए, आप एक दिन कामयाबी तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप लिखें, या अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल। थैंक यू।